पृथ्वी पर अगर किसी का कब्जा है तो वो है इंसान। आज के वक्त में पृथ्वी पर इंसानों की आबादी 8 अरब के लगभग है और आने वाले कुछ दशकों में यहाँ पर इंसानों की आबादी 11 अरब तक बढ़ जाएगी। लेकिन वक्त के साथ साथ पृथ्वी की क्षमता इतनी नहीं होगी कि वो इतने अधिक लोगों को खाना खिला सके, अपने ऊपर जिंदा रख सके। ये बात इंसानों को भी बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर उसने इस ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे किसी और ग्रह को नहीं ढूंढा तो वो दिन दूर नहीं जब पृथ्वी के साथ साथ इंसानों का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि इंसान कभी चांद तो कभी मंगल हर जगह पर पहुंचने और वहां पर बसने की कोशिश कर रहा है। और इस वक्त इंसानों के निशाने पर पृथ्वी के बाद जो सबसे पहला ग्रह है वो है मंगल। इंसान एक लंबे समय से मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने की कोशिश में लगा है और उम्मीद है अगले कुछ सालों में इंसान वहां पर रहने के लिए पहुंच जाएगा। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जिस सुंदर पृथ्वी का इंसानों ने इतना बुरा हाल कर दिया, जिस सुंदर पृथ्वी के हर एक चीज को इंसानों ने लगभग नष्ट कर दिया, ऐसे में अगर यहाँ की सारी आबादी मंगल पर पहुंच जाए तो मंगल ग्रह के साथ क्या होगा? क्या मंगल ग्रह इंसानों की क्रूरता को सह पाएगा? क्या मंगल ग्रह इंसानों के 8 अरब से ज्यादा आबादी को जिंदा रख पाएगा? आखिर क्या होगा जब मंगल ग्रह पर इंसान कदम रखना शुरू कर देंगे? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब को डिटेल में बताएंगे। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि हम वो रीजन आपको बताने वाले हैं जिससे आप अनजान हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कभी मंगलयान तो कभी मिशन मंगल, कभी नासा, कभी इसरो, कभी अमेरिका, रूस, चीन और जापान, हर कोई मंगल ग्रह के पीछे पड़ा है और मंगल ग्रह के पीछे भागने वाले इस दौर में हमारा हिंदुस्तान भी शामिल है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर हम पृथ्वी पर रहने वाले लोग चंद्रमा को छोड़कर मंगल ग्रह के पीछे आंख मूंदकर पागलों की तरह क्यों भाग रहे हैं जबकि मंगल ग्रह दूर और चांद हमारे पास है। तो आपको बता दें इसके सबसे मुख्य 3 कारण हैं। रीजन 1, सबसे पहले वजह की बात करें तो वो है रहने लायक धरती। आपके लिए जानना जरूरी है कि चंद्रमा पर पानी तो जरूर है लेकिन वो जगह इंसानों के रहने लायक बिल्कुल भी नहीं और हमारी चंद्रमा सूर्य से बेहद नजदीक है जिसकी वजह से वहाँ पर इतने भयानक विकिरण पड़ते हैं इंसानों के लिए वहाँ 1 से 2 दिन रहना भी मुश्किल है। और अगर किसी इंसान को चंद्रमा पर रहना है और चंद्रमा पर अपनी जिंदगी बचानी है तो उसे हर रोज एक चीज पृथ्वी से ढोकर ले जानी होगी, चाहे वो हवा हो या फिर पानी या फिर खाने का कोई सामान। लेकिन मंगल ग्रह के केस में ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक एक लंबे समय से शोध कर रहे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में वे मंगल ग्रह पर सब्जियां भी उगा देंगे और मंगल ग्रह के छोटे से वायुमंडल में ऑक्सीजन भी पैदा कर देंगे। इसमें एक बात तो साफ है कि चंद्रमा पर रोबोट को भेजना बेहतर है इंसानों को नहीं, लेकिन वहीं मंगल ग्रह पर इंसानों की जिंदगी को ढूंढा जा सकता है। अभी तो ये कुछ नहीं, आगे के रीजन आपको और ज्यादा चौंका देंगे। रीजन नंबर 2, दूसरी वजह की बात करें तो वो है मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश। वैज्ञानिकों को इस बात की पूरी गारंटी है कि मंगल ग्रह का वातावरण ऐसा है कि वहाँ की धरती पर जरूर कोई ना कोई सूक्ष्म जीव रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी से मंगल ग्रह की सबसे कम दूरी 5,46,00,000 किलोमीटर दर्ज की गई है जबकि साल का अधिकतर वक्त ऐसा होता है जब पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी 40,10,00,000 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। इतना दूर रहकर हमारे लिए मंगल पर जीवन होने या न होने के बारे में कोई पक्की बात कहना अभी दूर की कौड़ी ही है। यही वजह है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक मंगल ग्रह के और करीब पहुंचना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है कि मंगल ग्रह की धरती इंसानों के रहने लायक है और अगर नहीं भी है तो उसे बनाया जा सकता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मंगल ग्रह पर सूर्य से जो रेडिएशन पहुंचते हैं उसकी वजह से वहां की धरती के 25 फुट नीचे तरह तरह के सूक्ष्म जीव होते होंगे और अगर ऐसा है तो इंसान भी मंगल ग्रह की धरती के 20 से 25 फुट की गहराई के नीचे अपना घर बना सकता है। तो ऐसे में दुनिया भर के वैज्ञानिक चाहते हैं कि कैसे भी करके मंगल ग्रह की धरती के 25 फुट के नीचे की मिट्टी चाहिए ताकि मंगल ग्रह की मिट्टी पर तरह तरह के शोध किए जा सके। हालांकि अब तक विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की है कि इतनी गहरी खुदाई करने वाला कोई यंत्र अभी तक मंगल ग्रह पर भेजा जा सके, लेकिन एक ना एक दिन वैज्ञानिक ऐसा जरूर कर लेंगे। रीजन नंबर 3, तीसरी वजह है अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश। जैसे कि आप सभी जानते हैं आज से 50 साल पहले का एक वक्त था जब दुनिया के 2 बड़े देश चीन और रशिया के बीच कंपटीशन चल रहा था कि कौन सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचता है। बिल्कुल उसी तर्ज पर आज के वक्त में भी दुनिया के कई देशों में एक होड़ मची है कि मंगल ग्रह पर कौन सबसे पहले पहुंचता है और कौन वहां पर जिंदगी को तलाश पाता है, क्योंकि ऐसा करने में दुनिया का जो भी देश सबसे पहले सफल होगा ब्रह्मांड के उस ग्रह पर उस देश का दबदबा हो जाएगा और पूरी दुनिया के नजर में वो अंतरिक्ष विज्ञान के मामले में तगड़े देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर आ जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका, रूस, चीन और ब्रिटेन के साथ साथ भारत भी मंगल ग्रह की तरफ तेज रफ्तार से भाग रहा है। ये सिचुएशन बिल्कुल वैसी है मानो एक दौड़ चल रही हो और सबसे पहले कौन पहुंचेगा उसी की जीत होगी।
जब बात आती है कि अगर कोई इंसान मंगल ग्रह पर पहुंचने की कोशिश करता है तो मंगल ग्रह उसके साथ क्या करेगा, क्या इंसान मंगल ग्रह की धरती पर आसानी से पहुंच भी पाएगा या नहीं। तो दोस्तों आपको जानने की जरूरत है कि पृथ्वी के वैज्ञानिकों द्वारा अब तक मंगल ग्रह पर कई मिशन भेजे जा चुके हैं, लगभग 30 से ज्यादा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, उनमें से 6 मिशन ही ऐसे थे जो सफल हो पाए, उनमें से अधिकतर मिशन बुरी तरह से असफल रहे। कई बार तो ऐसा हुआ जब अंतरिक्ष यान वहां पहुंचते ही ध्वस्त हो गया। उससे भी हैरानी की बात तो ये है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक यान मंगल पर उतरने के ठीक पहले क्षतिग्रस्त हो गया। बाद में पता चला कैलकुलेशन की मामूली गड़बड़ी से यान की रफ्तार कम करने वाला उसका एक रेट्रो रॉकेट सटीक वक्त से सिर्फ आधा सेकंड पहले बंद कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ आधा सेकंड। और उसका नतीजा ये रहा कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का यान महज किसी 2 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई से गिरकर चकनाचूर हो गया। इससे पहले रूस ने अपना एक यान मंगल पर सकुशल उतार दिया था, लेकिन सतह पर उतरने के सिर्फ 14 मिनट बाद ही धरती से उसका संपर्क टूट गया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब किसी यान में इंसानों को बैठाकर पृथ्वी से मंगल की तरफ धकेला जाएगा तो उस यान में बैठे इंसानों की जिंदगी के साथ कितना खतरनाक एक्सपेरिमेंट होगा। दरअसल पृथ्वी से जब कोई संदेश मंगल ग्रह तक भेजा जाता है तो उसे वहां तक पहुंचने में कई मिनट से अधिक का वक्त लगता है, और साल के अधिकतर वक्त में जब पृथ्वी और मंगल के बीच की दूरी 40 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा बढ़ जाती है तो ऐसे में पृथ्वी से भेजा गया संदेश मंगल तक पहुंचने में हो सकता है 10 से 15 मिनट का वक्त ले ले, और कई बार तो पृथ्वी और मंगल के बीच संपर्क भी टूट जाता है। तो ऐसे में किसी इंसान का मंगल की धरती तक पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और एक बात तो ध्यान देने वाली ये भी है कि महज कुछ ही दिनों का वक्त ऐसा होता है जब पृथ्वी से मंगल के बीच की दूरी लगभग 5 करोड़ किलोमीटर रहती है, और यही वो कुछ दिन ऐसे होते हैं जब पृथ्वी से कोई मानव युक्त अंतरिक्ष यान मंगल की तरफ निकल सकता है, और फिर भी उसे मंगल तक पहुंचने में 115 से 180 दिन का वक्त लगेगा। और उसके बाद लगभग 26 महीनों के बाद ही ऐसा वक्त आता है जब पृथ्वी से मंगल के बीच की दूरी फिर से 5 करोड़ किलोमीटर तक हो जाए। विज्ञान चाहे कितनी भी अधिक तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन ब्रह्मांड का ये नियम कभी नहीं बदल सकता। दुनिया का सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क लगातार इस कोशिश में लगा है कि वो मंगल पर इंसानी बस्ती को बसा सके, और एलन मस्क ने साफ कहा है कि वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिससे पृथ्वी से मंगल तक महज 25 से 30 दिनों में पहुंचा जा सकता है। लेकिन फिर भी जब पहली बार कोई इंसान पृथ्वी को छोड़कर मंगल की तरफ निकलेगा तो उसे मानकर चलना होगा कि वो मौत की तरफ बढ़ चला है। शुरुआती मंगल यात्रियों को सबसे पहले इस सवाल का जवाब देना होगा कि आप मरने के लिए तैयार हैं। दोस्तों अगर भविष्य में इंसान पृथ्वी से निकलकर मंगल की तरफ पहुंच भी जाता है तो आपको बता दें मंगल का आकार पृथ्वी से ज्यादा है, मंगल पर पानी की मात्रा भी पृथ्वी से कम ही है, और मंगल पर ऑक्सीजन भी लगभग ना के बराबर है। वहां ना तो पेड़ पौधे उगते हैं ना ही कोई जानवर रहता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस पृथ्वी पर सैकड़ों तरह के खाने पीने की सब्जियां होती है, सांस लेने के लिए इतनी तादाद में ऑक्सीजन उपलब्ध है, रहने के लिए मंगल से दुगनी जमीन है, पीने के लिए अरबों लीटर पानी यानी पृथ्वी पर मौजूद है, इसके बावजूद महज कुछ 100 सालों में इंसानों ने पृथ्वी का इतना बुरा हाल कर दिया कि पृथ्वी कब खत्म हो जाए इसका कोई अंदाजा नहीं। ऐसे में अगर पृथ्वी की इतनी बड़ी आबादी को छोटे से मंगल ग्रह पर शिफ्ट कर दिया जाए तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि महज कुछ दशक में ही इंसान मंगल ग्रह को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देंगे। हालांकि ऐसा भी संभव है कि शुरुआत में मंगल ग्रह पर वही लोग जाकर रह पाएंगे जिनके पास भारी भरकम पैसा हो, और गरीबों को मरने के लिए यहीं पृथ्वी पर छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, आपको क्या लगता है, क्या कभी पृथ्वी पर रहने वाले इंसान मंगल ग्रह पर पहुंच पाएंगे, और अगर मंगल ग्रह पर पहुंच भी गए तो हम इंसान मंगल ग्रह के साथ कैसा सलूक करने वाले हैं? आप अपनी राय कमेंट में देना। वीडियो अच्छी लगी